नमस्कार दोस्तों, आज अपने ड्राइंग का थर्ड लेक्चर में आपके लेके आया हूँ। आज अपने बनाएंगे पेंटागोनल प्रिज्म, जिसकी एक साइड डीवी अपने को 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या डीवी है 8 सेंटीमीटर। तो पेंटागोनल प्रिज्म बनाने के लिए अपने को एक कोण की आवश्यकता होगी। तो कोण जो है वो निकालने का सूत्र क्या होता है अपने, 2n माइनस 4 बट्टा n इंटू 90। दिखाई दे रहा है सर को? तो अब दिखाई दे रहा है ना आपको, 2n माइनस 4 बट्टा n इंटू 90। तो यहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या, क्योंकि अपने को पेंटागोनल बनाना है। पेंटागोनल में कितनी भुजाएं होती है, 5 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे n का मान क्या रख दिया, 5। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 4 बट्टे 5 इंटू 90। तो इसी तरीके से अपने इसको सॉल्व किया तो 5 से काटा 18 डिग्री आ गया ये, और 10 को 6 से घटाया तो 4 आ गया। 6 इंटू 18 किया तो कितना आ गया अपना कोण, 108 डिग्री। 108 डिग्री और 3 सेंटीमीटर का उपयोग करते हुए अपने पेंटागोनल प्रिज्म बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद ये 2 पॉइंट बनाए अपने। इन 2 पॉइंट के ऊपर अपने क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर की सहायता से 30 डिग्री के कोण बनाएंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए अपने इसको प्रोट्रैक्टर को एकदम सीध में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अपने को 108 डिग्री, कितना माना आया था अपना, 108। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 105, यहाँ पे 90 है, ये 100 हो गया, ये 105 6 7 8। एकदम ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी अपने 108 डिग्री का इस कोने पे भी करेंगे। ये 90 हो गया, 100, 105 और ये 108 डिग्री। ठीक है, अब ये 3 बन गए अपने। अब इसको जो है अपने 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अपनी रेखा दी हुई थी तो 3 सेंटीमीटर का ही खींचेंगे इसको मिलाते हुए, कोण को पूरा रखते हुए। जैसे मैंने 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आया हुआ है तो 3 बढ़ाऊँगा, तो ये 7 से 8 6 से 7 और ये 6, ये 3 सेंटीमीटर हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर। एकदम ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये अपने 2 पॉइंट हो गए। अब चौथा, क्योंकि पेंटागोनल है तो 5 भुजाएं होगी, तो अपने को 3 भुजाएं जो है वो मिल चुकी है। तो 5वीं भुजा जो है वो अपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेंगे, और यहाँ से एक चाप काटेंगे, और इधर से भी एक चाप काटेंगे, और इन दोनों चाप जहाँ कटते हैं वहाँ से अपने 2 भुजाएं। तो ये अपनी 4 भुजाएं होगी, इसको कोई भी नाम अपने। अब इसको क्या है, ये पेंटागोनल जो बनाया अपने, इसको क्या है अपने बॉक्स विधि से जो है अपने आगे बनाएंगे। तो बॉक्स विधि में क्या होता है, जो भी ये कोणे किनारे हैं वहाँ से अपने रेखा को बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ से अपने बॉक्स बना लेते हैं चारों तरफ, थोड़ी बाहर तक रेखा जाने देना ताकि आप पीछे अपने मिटा लेंगे। बॉक्स जो है वो सही तरीके से बनना चाहिए। अपना बॉक्स बन गया, इसके बाहर जो जो रेखा जा रही है उनको अपने मिटा देते हैं। ये 4 बिंदु मिल गए अपने को, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, और ये 4 जो है वो अपने 1 2 3 4 दे देते हैं, 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो अब इसको अपने जो है, ये अपने को पेंटागोनल मिल गया है। अब पेंटागोनल से अपने इसको
प्रिज्म बनाएंगे। तो एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, कितनी भी सेंटीमीटर की यहाँ पे कह सकते हो अपने, 10 सेंटीमीटर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर लेने के बाद 5 सेंटीमीटर पे अपने एक बिंदु कर लेते हैं बीच में, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स की विधि से अपने बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आइसोमेट्रिक से बना रहे हैं, तो आइसोमेट्रिक में कितने डिग्री का कोण लेते हैं, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का जो है अपने इधर, और 30 डिग्री का जो है वो इधर बना के, और इनको जो है बिंदु को लगा देते हैं। थोड़ा आगे तक लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो गए, 30 डिग्री के, यहाँ पे लिख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पी। अब देखिए अपने को क्या करना है कि पी और यहाँ पे देखिए इस चित्र में पी और क्यू इसकी दूरी जो है वो अपने इसमें भरेंगे, ठीक है। पी और क्यू, तो पी पे अपने रखा और यहाँ पे एक चाप काट दी, ये बिंदु अपने को कौन सा मिल गया, क्यू बिंदु, ठीक है। और इसी तरीके से पी और एस की अपने दूरी भरेंगे और यहाँ से अपनी एक चाप काट देंगे, ये बिंदु कौन सा हो गया अपना, एस, ठीक है। और इसी तरह एस और आर के बीच में अपने ये दूरी भरेंगे और इसे एस और आर इधर एक चाप कर देंगे, इधर से भी एक चाप काट देंगे, ठीक है। इस चाप को अपने लगा देंगे, अपने को बॉक्स जो है अभी इसमें बना दिया। ये P हो गया, Q, R और ये S हो गया, ये क्या कौन सा बिंदु हो जाएगा आपके, R बिंदु, ठीक है। अब यहीं पे अपने प्रिज्म में देखेंगे कि यहाँ पे अब पेंटागोनल में देखेंगे, पेंटागोनल में P और Q के बीच में एक नंबर बिंदु है, तो एक नंबर बिंदु तक की दूरी भरेंगे और किसके बीच में, P और Q, तो उसी तरह P और यहाँ पे Q के अंदर अपने ये यहाँ से चाप काटेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इसको नाम क्या दे देंगे, एक नंबर, क्योंकि ये एक नंबर था अपना, ठीक है। इसी तरह से Q और R के बीच में भी अपने उतनी दूरी भरेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक चाप काट देंगे, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना कि P और Q के अंदर अपने ये दूरी भरी है, तो P और Q के ऊपर ही इस तरीके से चाप काटने, इसको भी क्या नाम दे दिया, दो, ठीक है। अब यहाँ से P और S के बीच में 5 नंबर बिंदु है ना, तो P और S कहाँ दिखाई दे रही है अपने को, P और S ये रेखा, तो यही अपने इसको भरेंगे, P और S के बीच में 5 की जो रेखा है वहाँ तक भरेंगे, ठीक है, और P बिंदु पे रख के ये काट देंगे। अगर आप इधर से भरते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर आपको क्या करना है, यहाँ से कट के यूँ काटना पड़ेगा। अब यही 4 नंबर बिंदु जो है वो S और R के बीच में है, एस और आर के बीच में 4 नंबर बिंदु की दूरी भरेंगे और एस और आर जो दिखाई दे रहा है एस पे रख के, क्योंकि एस से दूरी भरी है तो एस पे रख के ये काट देंगे। तो ये अपना 5 नंबर बिंदु था, इसको बिंदु को हाथों हाथ लिखते रहना ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, और ये 4 नंबर बिंदु होएगा। अब अपना 1, 2, 4 और 5 आ गया, 3 नंबर बिंदु रह गया जो किसके ऊपर है, क्यू और आर की, क्यू और आर के बीच में, यहाँ से अपने 3 नंबर बिंदु जो है इस तरीके से कर लेते हैं। ये चाप क्यू पे रख के काटेंगे क्योंकि क्यू से दूरी बड़ी है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया अपना 3 नंबर बिंदु हो गया। अब क्या 1 और 2 को मिलाना है, ये रहा 1 और 2, थोड़ा
डार्क से मंगाएंगे ताकि ये अपने को यहाँ पे पता चले कि ये पेंटागोनल है। ये यहाँ पे अपने मंगा दिया, दो को तीन से मंगाना है, दो को तीन से। ये चित्र जो है अपना सैंपल चित्र है, इसका देख कर ही इसमें बनाना है सेम टू सेम। दो को तीन से मंगा दिया, ठीक है, तीन को चार से मंगाना है, तीन को चार से मंगा दिया, ठीक है, चार को पाँच से मंगाना है, चार को पाँच से मंगा दिया। इसीलिए मैंने कहा था आप हाथों हाथ नाम लिखते रहना ताकि आगे कन्फ्यूजन नहीं हो। पाँच को एक से मंगाना है, पाँच को एक से मंगा दिया, तो ये अपना जो है ये आपकी पांच भुजा वाला, एक दो तीन चार पांच भुजा वाला अपना पेंटागोनल तैयार है। पेंटागोनल को प्रिज्म बनाना है, तो प्रिज्म जो है वो अपने इसकी हाइट कितनी दे रखी थी अपने को, 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी थी, तो 8 सेंटीमीटर जो है अपने इसको हाइट मिलेंगे। तो अपने चित्र पे आ जाते हैं, तो 8 सेंटीमीटर जो है अपने चारों बिंदु से जो PQRS है वहाँ से 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर Q से एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, ठीक है, इसी तरह पी से भी 8 सेंटीमीटर, और इसी तरह एस से भी 8 सेंटीमीटर, अब इन तीन पॉइंट को अपने मंगा देंगे। ठीक है, अब ये अपना हो गया पी पॉइंट, पी डैश कर देंगे, ये क्यू डैश और ये एस डैश। अपना आर बिंदु रह गया, आर से भी अपने 8 सेंटीमीटर की खींच देंगे, इसको मार देंगे इस तरीके से। ये कौन सा हो गया अपने आर डैश, ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने बनना है। अब यही जो अपना पेंटागोनल था, अपने पेंटागोनल को इसको ऊपर भी इस तरीके से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो दो नंबर जो पॉइंट है वो किसके बीच में है, क्यू और आर के बीच में, तो Q और R आपको दिखाई दे रहा है, Q डैश R डैश वहाँ तक रेखा जो है अपने इसको ले जाएंगे, Q और R तक ले जाना है, ठीक है, इसको दे दिया 2 डैश, ठीक है। तीन नंबर पॉइंट जो है वो भी Q और R पे, तो Q और R पे तीन नंबर पॉइंट को भी अपने ले गए, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। ये कितना हो गया आपका 3 डैश, ठीक है। एक नंबर पॉइंट जो है वो अपना क्यू और पी पे, क्यू और पी पे, तो यहाँ से अपने ले जाएंगे रेखा को, ये कितना हो गया 1 डैश, ठीक है। पांच नंबर पॉइंट जो है वो पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में यहाँ तक मिल जाएंगे अपने, ये 5 डैश। तो एक दो तीन फोर रह गया, फोर जो है वो अपना किसके बीच में है, फोर जो है अपना आर एस और आर के बीच में, एस और आर के बीच में, इसको भी इस तरीके से ले जाते हुए आगे जो है अपने यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया अपना 4 डैश, ठीक है। एक और दो को मिलाना, ये रहा एक और 1 और 2 को, ठीक है, 2 और 3 को, 2 और 3 को थोड़ी कैरिंग लाइन से कर देंगे, ठीक है, 3 और 4 को, और
फोर, 3 और 4 को मंगा दिया, 4 और 5 को। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 1 को। थोड़ा आप सफाई से बनना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तेज़ बनाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो ये इसका प्रोजेक्शन जो है वो ऊपर हो गया। अब आप ध्यान रखना, जो आगे की लाइनें दिख रही है उसको आप सीधी रेखा से बनाओगे, और जो पीछे की रेखाएं जैसे ये और ये, इसको आप हिडन लाइन का अपने कहा था, डैश डैश के द्वारा बनाई जाती। तो ये आपका प्रिज्म जो है, पेंटागोनल प्रिज्म तैयार हो गया, जिसकी एक साइड क्या थी 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या थी 8 सेंटीमीटर। अपने को कोण निकालना था, जिसका सूत्र क्या है, 2n-4/n(90°। तो इससे अपना कोण आ गया 108। तो ये अपना सैंपल था, सैंपल से जो है अपने इसको प्रिज्म का रूप दिया, ये पेंटागोनल प्रिज्म है। ठीक है, तो ये आज आप बनाकर जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे। धन्यवाद।